केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 5 साल में उनकी सरकार ने जो काम किया है कांग्रेस वह 50 सालों में नहीं कर पाई। वो केवल गंगा की सफाई नहीं कर रहे बल्कि इससे मिलने वाले उप नदियों को भी सफाई करा रहे हैं। पहली बार गंगा अविरल बनी और कुंभ में लोगों ने बिना झिझक के स्नान किया। उन्होंने अभी केवल 30% कार्य पूर्ण किया है, अगले मार्च तक 100% कार्य पूर्ण करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देवरिया में रिंग रोड की मंजूरी दी गई है, देवरिया बाईपास का भी काम जल्द ही पूरा होगा। वो राष्ट्रीय मार्ग ही नहीं जल मार्ग भी बन रहे हैं। प्रयागराज से लेकर बनारस तक जल मार्ग बनाया, दिल्ली से निकला जल मार्ग देश के कोने कोने तक जाएगा, एक क्रांति होगी। उन्होंने गंगा पार उतरने वाले पोर्ट की भी मंजूरी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो केवल गंगा पर ही नहीं गंडक पर भी काम कर रहे हैं। देश बदल रहा है, देश में आज गेहूं और चावल सरप्लस है। उनकी सरकार ने यह तय किया है कि गन्ने के जूस से इथेनॉल बनाएंगे। महाराष्ट्र में बसें एथेनॉल से चलती हैं, जो हवाई ईंधन वो इंपोर्ट करते हैं वह महंगा है। और इसीलिए ये पार्टियों की अलायंस बनी, एक दूसरे को नमस्कार नहीं करते थे, हंसते नहीं थे, हाथ नहीं मिलाते थे, दोस्त बन गए, गले में गला डाल के घूम रहे। वो हिंदी पिक्चर में एक गाना था, बहुत अच्छा था, जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग।